चलो फटाफट उसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर से क्या निकलता है। भाई 4 साल लग गया है मुझे इसको खरीदने में। और ऊपर देखिए यहाँ पे कार्बन फाइबर वाला। और दूसरा जो चीज है जिसके लिए मैंने इसको लिया है, तो भाई लोग और भाई लोग के बहन लोग, तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ये वाला शूज जो है इसको मैंने अनबॉक्स किया था और इसके बारे में आप लोगों को बताया था। तो अपने पास 2 मिस्टीरियस बॉक्स आया था, तो उसके अंदर से तो एक निकला था ये, और एक मिस्टीरियस बॉक्स अभी बाकी है। तो ये है वो वाला वीडियो जिसमें हम अपना दूसरा बॉक्स अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलो फटाफट उसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर से क्या निकलता है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो अभी इस बॉक्स को हम खोलते हैं और देखते हैं इस मिस्टीरियस बॉक्स में क्या है। काट दो काट दो। निकालो इसे, निकालो बाहर, निकालो। ये तो ये है अपना नया राइडिंग बैकपैक। भाई 4 साल लग गया है मुझे इसको खरीदने में। निकालो निकालो बाहर, निकालो इसको। ভালো লেগেছে না? এটা কি? ওটা রেইন কভার। তো পুরো কচ্ছপ মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যারা খোল থেকে কচ্ছপে মুখ বার করে গেছে। तो भाई लोग और भाई लोग के बहन लोग, तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस बैग का खासियत। देखो भाई, इस बैग में कुछ तो खास बात है जिसलिए मैंने इसको लिया है। और आप लोगों ने अगर इस बूट का अनबॉक्सिंग वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वो वाला देख लो, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है। तो ये बैग जो है ये डेनिस का है और लुक्स के मामले में देखो तो ये बहुत ही अच्छा है। और ऊपर देखिए यहाँ पे कार्बन फाइबर वाला स्टाइल दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो है ये कार्बन फाइबर नहीं है, कार्बन फाइबर स्टाइल है। और ऊपर यहाँ पे देखो एक लोगो दिया गया है। ये किसका लोगो मुझे पता नहीं चल रहा है, शायद कोई स्टाइल के लिए बिठाया गया है, क्योंकि डेनिस का लोगो तो ये वाला है। तो ये क्या है पता नहीं, पर अच्छा दिख रहा है ये। और यहाँ पे जो स्ट्रिप दिख रहा है ना, ये पूरा रेडियम है, तो रात के वक्त बहुत ही काम आने वाला है। और इसका लोगो वगैरह सब रेडियम है। और मेन जो चीज है जिसके वजह से मैंने इसको लिया है वो है इसका सेल। इसका सेल जो है ना ये हार्ड कवर से बनाया गया है, तो नॉर्मल बैग की तरह ना इसको दबाने से ये पिचक नहीं जाता है, थोड़ा सा पिचकता है पर ठीक है, बहुत ही हार्ड केसिंग है। तो इसमें लैपटॉप या फिर DSLR वगैरह लेके जाने में बहुत ही फायदा होगा। तो इस बैग के ऊपर की तरफ ना कोई चेन या फिर सेल्फ कुछ भी नहीं है, आप इस तरफ से कुछ भी बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो जब भी हम राइड करते हैं ना तो कभी कभी डर सा लगता है कि पीछे से कोई चेन खोल के कुछ बाहर ना निकाल ले, तो इसमें वो वाला झंझट नहीं है। इसका जितना भी चेन वगैरह है ये सब इस तरफ दिया गया है। तो सामने भी देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये छोटा छोटा पोर्शन है, ये सब रेडियम है, रात के वक्त बहुत ही काम आएगा ये। और इसको खोलने के बाद देखिए इसके अंदर स्पेस, देखो कितना स्पेस है। ये 22 लीटर का है और यहाँ पे देखो कितना सारा पॉकेट और कितना सारा चेन। तो यहाँ पे देखो एक लैपटॉप रखने की जगह, यहाँ पे आपका नोटपैड या फिर कुछ रख पाओगे। यहाँ पे भी एक पॉकेट दिया गया है, यहाँ पे एक पॉकेट दिया गया है, यहाँ पे भी एक, और यहाँ पे देखो पेन या फिर कुछ पेन के जैसा कुछ रखने के लिए। और स्पेस जो है वो बहुत ही अच्छा खासा है। और अंदर देखिए यहाँ पे दोनों साइड पे 2 बोतल होल्डर दिया गया है, यहाँ पे अपना बोतल भी रख सकते हो। तो इजी एक्सेस के लिए यहाँ पे एक छोटा वाला चेन दिया गया है जिसके अंदर आप कुछ सामान रख सकते हो, या फिर आप रेन कवर भी यहाँ पे रख सकते हो। मैं तो भाई रेन कवर ही रखूंगा इसके अंदर। इसके साथ रेन कवर भी दिया है, ये वाला है रेन कवर। और दूसरा जो चीज है जिसके लिए मैंने इसको लिया है और वो है इसका पैडिंग। तो राइड में सबसे बड़ी दिक्कत होता है कि पीठ में बैग लेना, क्योंकि घंटे भर बाद ना कंधा दुखने लगता है, पर इस बैग के साथ ऐसा कोई झंझट नहीं है। भाई इस बैग की शेप जो है वो पूरा पीठ के हिसाब से ही बनाया गया है। और ये 2 साइड पे देखिए पैडिंग दिया गया है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, जिसमें अपना पीठ दर्द नहीं करेगा। तो ये नीचे वाला जो बकल है इसको लगाने के बाद भाई फील ही नहीं होता है कि अपने पीठ में कुछ है। ये देखो
तो मुझे एक बैग चाहिए था जिसके अंदर मैं लैपटॉप और कैमरा दोनों एक साथ कैरी कर सकती हूँ। तो शटल बैग में कैमरा या फिर लैपटॉप जो है ना उसको कैरी करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें अपना लैपटॉप कैमरा या फिर जो बाकी एक्सेसरीज है वो इसमें आ जाएगा, पर दिक्कत ये हो गया। तो मेरे पास ये HP वाला लैपटॉप है जिसके ऊपर मैंने एप्पल का लोगो लगाया था। भाई अमित दिखना चाहिए, भाई अमित नहीं हूँ पर दिखना चाहिए। तो जो भी हो ये देखो, ये अभी साइज में बहुत ही बड़ा हो रहा है। तो इसका भी सलूशन है, हम लैपटॉप को यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ये देखो बहुत जगह है यहाँ पे, भाई ऐसे रख दो भाई, बस हो गया। तो हम तो भाई ऐसे ही इसको लेके जाएंगे क्योंकि हम तो अमीर आदमी नहीं है, हमारे पास मैकबुक नहीं है, पर दिखाने वाला मैकबुक हमारे पास है। तो जो भी हो अपना सलूशन हो गया है, हम जुगाड़ू है भाई, जुगाड़ हमेशा कर लेते हैं कुछ ना कुछ। तो ये वाला जो बैग है इसको मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा था। फ्लिपकार्ट में ये वाला बैग के ऊपर ना मुझे भारी भरकम डिस्काउंट मिला था, तो मेरे को भारी भरकम डिस्काउंट मिला था इसलिए ले पाया था। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, तो आप लोग भी चेकआउट कर सकते हो, और अमेजोन का भी लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। सेम बैग ही है, अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों में आपको मिल जाएगा। तो जो भी हो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके अपना राइडिंग वाला जो सेटअप है उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और मैं जो एक्सेसरीज यूज कर रहा हूँ अपने राइडिंग के लिए या फिर कुछ और, तो वो सब कुछ जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो और अगर अच्छा लगे तो परचेज भी कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यही पे, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड गुड बाय।